आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेला गया मुकाबला रद्द हो गया। पहले भारी बारिश और फिर ग्राउंड गीला होने के चलते अब इस मैच को आज दोबारा वहीं से शुरू किया जाएगा जहां पर कल ये खत्म हुआ। अंपायरों ने 7 बजे, 7:30 बजे, 8 और 8:30 बजे मैदान का मुआयना करने के बाद आज यानी रिजर्व डे को अब इस महामुकाबले को पूरा करवाने का फैसला लिया है। और इस तरह भारतीय टीम आज 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन के स्कोर से आगे खेलेगी। क्रीज पर मौजूद पूर्व कप्तान रन मशीन विराट कोहली और केएल राहुल से भारतीय फैंस को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये दोनों स्टार्स भारत को एक विशालकाय स्कोर की ओर ले जाएंगे। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने 49 गेंद में 56 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं गिल ने 52 गेंद में 58 रन की शानदार पारी खेली थी। इस मैच के रद्द होने से भारतीय टीम बुरी तरह से फंस गई है। बारिश की वजह से मैच रद्द होने के बाद अब भारतीय टीम पूरे 3 दिन तक मैदान पर रहने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 3 दिन तक। बारिश की वजह से रविवार का दिन बेकार हो गया। अब भारत बनाम पाकिस्तान हाई वोल्टेज महामुकाबला आज पूरा होगा। इसके बाद टीम इंडिया को सुपर 4 का अपना अगला मैच मंगलवार यानी कल श्रीलंका के खिलाफ खेलना होगा। इसका मतलब है कल, आज और कल टीम इंडिया लगातार 3 दिन मैच के लिए मैदान पर होगी। वर्ल्ड कप को देखते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि लगातार 3 दिन मुकाबला होने की वजह से खिलाड़ियों के इंजर्ड होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी हमने हाल ही में देखा है कि लंबी इंजरी के बाद वापस लौटे श्रेयस अय्यर पीठ में ऐंठन की शिकायत के चलते इस मैच से बाहर हो चुके हैं। वैसे आज भी मैच होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि सुबह से ही कोलंबो में बारिश हो रही है, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज भी मैच रद्द हो सकता है। इस हिसाब से अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पूरे दिन बारिश का अनुमान है। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, सुबह से दोपहर तक तेज और इसके बाद रुक रुक कर बारिश होगी। कोलंबो में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बारिश की आशंका 99% बताई जा रही है। ऐसे में अगर रिजर्व डे भी खराब मौसम के चलते धुल गया तो दोनों ही टीमों के बीच 1-1 अंक बांट दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक एक दिवसीय क्रिकेट में नतीजा निकलने के लिए दोनों पारियों में कम से कम 20-20 ओवरों का खेल जरूरी है। ऐसे में डकवर्थ लुईस नियम के नतीजे निकालने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 20 ओवर बल्लेबाजी करनी होगी। वैसे भारतीय टीम ने कल पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोकर ये तो साफ कर दिया कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा आज का मैच, भारत या फिर पाकिस्तान? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।